हमें एक मुख्तसर सी जिंदगी मिली और हमने इस मुख्तसर सी जिंदगी को सब कुछ समझ कर बैठे। इससे पहले हम हजारों साल रूह के हालात में थे, उसके बाद हमें ये जिंदगी मिली। इस जिंदगी के बाद कब्र की जिंदगी है, जहां हजारों हजारों साल गुजरना है। उसके बाद हसर की जिंदगी है, उसके बाद जन्नत व जहन्नम की जिंदगी है। इन सारी जिंदगियों में सबसे मुख्तसर सी जिंदगी ये दुनिया की जिंदगी है और हमने इस जिंदगी को सब कुछ समझ कर बैठे। हम इस जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, ऊंचे ऊंचे मकाम बनाते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें ये मुख्तसर सी जिंदगी इसलिए अता की ताकि हम इसमें नेक अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا, कि हमने तुम्हें ये जिंदगी इसलिए अता की कि तुम इस जिंदगी में नेक अमल करो। लिहाजा अल्लाह ने हमें ये जिंदगी दी, नेक अमल करने के लिए जिंदगी दी। कब्र हमें पुकारता है, हमें बुलाता है कि मैं वो अंधेरा घर हूँ, यहाँ कोई रोशनी नहीं है, यहाँ आना तो आमल का चिराग हाथ में लिए हुए आना। कब्र पुकारता है कि मेरे पास काटने वाले सांप और बिच्छू हैं, ये इस सांप और बिच्छू से बचने के लिए अमल का तैयारी करके आना, अमल का तलवार हाथ में लिए हुए आना। कब्र हमें हर वक्त पुकारता है, लिहाजा हमें इस जिंदगी से गुजरने से पहले पहले हमें नेक अमल करके इस जिंदगी से गुजरना है।